हमीरपुर स्थित एनआईटी परिसर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यही कारण है कि वहां पर कार्यरत कर्मचारी अपने आप को असहाय और ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके बदले में वे अपनी जान तक देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। यही बात सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने विश्राम गृह सुजानपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि एनआईटी संस्थान में बीते दिनों में जो भी हुआ वह बहुत ही दुख की बात है। प्रदेश के कर्मचारी द्वारा अपने आप को खत्म करने का जो कार्य किया गया, इस बात की ओर इशारा करता है कि आज प्रदेश के कर्मचारी अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एनआईटी परिसर में जो घटना घटी है, विधायक राजेंद्र राणा इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में चल रहा एनआईटी बाहर के लोगों से बढ़ रहा है। भर्तियों के नाम पर यहां धांधली हो रही है। एक ही समुदाय के लोग यहां पर भर्ती किए जा रहे हैं। मापदंडों को दरकिनार करके प्रदेश के लोगों की अनदेखी और बाहर के लोगों को यहाँ रखा जा रहा है। प्रदेश का पैसा बाहर के कर्मचारियों पर लुटाया जा रहा है। एनआईटी निदेशक द्वारा तमाम कार्य गलत तरीके से किए जा रहे हैं। एनआईटी के कर्मचारी पूरी तरह प्रताड़ित हैं और अपने आप को खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। एनआईटी के कर्मचारी द्वारा जो भी खुद को खत्म करने का कार्य किया गया, इस पर पूरे मामले को कांग्रेसी सीबीआई जांच मांग करती है ताकि सच सामने आ सके। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस एनआईटी प्रकरण पर चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के साथ हो रहा अन्याय सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनआईटी कर्मचारी इस मसले पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद हमीरपुर से भी मिले, लेकिन इस प्रकरण पर उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शायद लगता है कि उन्होंने कानों में रूई डाल रखी है। विधायक ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की है। चुनावी दौरे पर जाते समय कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन में रुके और उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक चुनाव को चुनौती की तरह लेते हैं। उन्होंने उपचुनावों को लेकर कहा कि वे पच्छाद और धर्मशाला में भाजपा ने पहले भी जीत हासिल की थी और अब भी जीत हासिल करेंगे। पच्छाद और धर्मशाला में बदलते समीकरण और बागियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनावों में बेशक समीकरण बदले हों, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित है और भाजपा एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार को सामने देखकर पूरी तरह बौखला गई है, इसलिए वह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों को लेकर काफी बवाल किया था, लेकिन उनका ये मुद्दा भी बाद में झूठा साबित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सोलन नगर परिषद में टेंडरों को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें सूत्रों से पता चला है कि करीबन 2 दर्जन टेंडर खाना पूर्ति के लिए ऐसे लगाए जा रहे थे जिनमें से अधिकांश का काम पहले ही हो चुका है। जिस पर कुछ ठेकेदारों ने एतराज जताया तो नगर परिषद ने आना फानन में ये टेंडर रद्द किए। वही कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी टेंडरों को हाउस में लगाया जाए और अगर वहाँ चर्चा के बाद कुछ सहमति बनती है तो इन टेंडरों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ काम ऐसे हैं जो पहले हो चुके हैं तो उस पर जांच की जाएगी कि आखिर बिना टेंडरों के कार्य क्यों किए गए हैं और किसके कहने पर किए गए हैं। वहीं टेंडरों के इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर कार्य बिना टेंडरों के हो रहे हैं तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए वे खुद नगर परिषद जाकर इस मामले की जांच करेंगे। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली गुच्छी अब हमीरपुर में हर साल देखने को मिल रही, जहां गत साल भी हमीरपुर जिला के मोहिंग गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने गुच्छी होने का दावा किया था, वही इस साल भी गुच्छी काफी मात्रा में मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी में शुमार गुच्छी की कीमत 30 से 35 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। हालांकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पैदा होने वाली गुच्छी को तलाश करना मुश्किल भरा होता है। बलगाम के गांव मोही में एक नाले और सड़क के किनारे सुनसान जगह पर गुच्छी पाई गई है और गांव के किशोरी लाल को
गुच्छी कुछ सालों से मिल रही थी, लेकिन संशय होने के चलते किसी से बात नहीं करते थे। इस बार भी गुच्छी ज्यादा तादाद में लगने पर गुच्छी होने की पुष्टि हुई है। किशोरी के अनुसार गुच्छी के पौधों को एक महात्मा को भी बताया था, तो कुल्लू मनाली के लोगों को भी दिखाई थी, जिसके बाद लोगों ने भी इसकी पुष्टि गुच्छी के रूप में ही की थी। किशोरी ने बताया कि गुच्छी के पौधे पिछले साल भी अक्टूबर माह में नाले के पास पहाड़ी पर गुच्छी के पौधे मिले थे, और इस बार भी गुच्छी काफी मात्रा में सड़क किनारे भी पाई गई है। उन्होंने बताया कि गुच्छी के सेवन से कई बीमारियों का इलाज होता है। गौरतलब है कि गुच्छी की पैदावार अक्टूबर और नवंबर माह के बीच ही पैदा होती है। गुच्छी की डिमांड विदेशों में ज्यादा है, और गुच्छी में विटामिन डी और सी हार्ट की बीमारियों के लिए फायदेमंद होती है। इस तरह हमीरपुर में भी अब गुच्छी के मिलने पर लोगों में हैरानी बनी हुई है।